ट्रैफिक पुलिस वालों का अजब प्रकार, अपनी ही गाड़ी लेने के लिए नागरिक को दौड़ना पड़ा क्रेन के पीछे। सोलापुर शहर में आए दिन ट्रैफिक पुलिस क्रेन के कई वीडियो सामने आते हैं, जिनमें अक्सर लोग अपनी गाड़ी लेने के लिए ट्रैफिक पुलिस से विनती करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर बिना अनाउंसमेंट के ही कार्रवाई होती है। कुछ ऐसा ही आज सोलापुर शहर वालचंद कॉलेज के पास एक नागरिक अपनी गाड़ी को रास्ते के किनारे पार्क कर दुकान से सामान लेने गया, जहां ट्रैफिक पुलिस की क्रेन आई और गाड़ी उठा ले जाने लगी। ये देख अपनी गाड़ी लेने गए व्यक्ति को आधा किलोमीटर तक क्रेन के साथ भागना पड़ा, ये कहकर के मैं चालान बनाने को तैयार हूँ, मुझे गाड़ी दे दो, लेकिन उसे गाड़ी ना मिली। बिना अनाउंसमेंट के ही मेरी गाड़ी उठा ले गए, ये मनमाना कारोबार कब तक चलेगा, ऐसा गाड़ी वाले का कहना है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इस बीच वो शख्स क्रेन के नीचे आ जाता और कुछ अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, जबकि शहर में ना तो प्रशासन की ओर से कोई पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और ना ही कोर्ट जिला परिषद परिसर छोड़कर डे बाय डे यानी एक दिन इस दिशा में पार्किंग करना, दूसरे दिन उस दिशा में पार्किंग करने की सुविधा उपलब्ध है। आखिर नागरिक अपनी गाड़ी पार्क करे तो कहाँ करे। मी सत्यम स्नैक्स सेंटर स्नैक्स जाला तो गाड़ी आलती गाड़ी उचलाला मी दोन मिनट स्नैक्स घेतलो गाड़ी घ्यायला गेलो तो मी उचलले गाड़ी माझी मी त्यांना पावती करायला म्हणलो त्यांनी केले नाही तर मी त्यांच्या पाठीमागं पळत पळत गेलो अर्धा किलोमीटर पण तरी पण दिले नाही तर आणि माझा मोबाईल पडला माझा मोबाईल तुटला आहे सगळं त्यांना सांगितलं तरी पण तिने काय ऐकायला तयारच नाही। मला पोलिसला कमिशनर एवढं सांगायचं आहे की तुम्ही यांच्यावर लक्ष द्या आणि अनाउन्समेंट करत नाही मी आमची गाडी आल्या तुम्ही गाडी उचला हे करा अनाउन्समेंट करत नाही नागरिकांना लई त्रास वाला आहे। मी त्यांना म्हणलो जागावर पावती करा तिने केले नाही आणि तिने गाडी असंच निघून गेलेत मी त्यांच्या पाठीमागं पळत पळत गेलो आणि माझा मोबाईल पडला मोबाईल पूर्ण तुटलेला आहे हे बघा।